पांचवें इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन के लिए पोखरण पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारत की परमाणु नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। इमरान खान की ओर से लगातार उकसावे वाले बयानों पर राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क को इशारों में सख्त चेतावनी दी है। पोखरण पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के बार बार परमाणु धमकी का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि परिस्थितियों के हिसाब से भारत की परमाणु नीति बदल भी सकती है। सच है, यहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने सरकार की नीति स्पष्ट करने की मांग की है। या तो कोई रहस्यमय वाक्य बता रहे हैं और या कोई नीतिगत बदलाव नीति में घोषणा कर रहे हैं, तो उनको मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट देश को बताना चाहिए कि आज की हमारी न्यूक्लियर नीति क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज अटल जी की बदौलत भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र का दर्जा रखता है, जो हर नागरिक के लिए राष्ट्रीय गौरव है। और अब खबरें बाढ़ और बारिश की। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जबरदस्त बारिश के बाद 6 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जिले के कई गाँव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कालीसिंध नदी का पानी झालावाड़ शहर तक पहुंच गया है। पानी का लेवल कितना ज्यादा है इसका अंदाजा डूबे हुए मंदिर जेसीबी मशीन से लगाया जा सकता है। झालावाड़ में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद पूरा इलाका सैलाब से जंग लड़ रहा है। कोटा में सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। निचले क्षेत्र पूरी तरह पानी में डूबे हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई, चारों ओर तबाही का मंजर है। स्थानीय सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ओम बिरला ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। कोटा के कैथून कस्बे में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए आर्मी ने मोर्चा संभाला। सिविल डिफेंस और SDRF ने मिलकर अब तक 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कोटा की ये तस्वीरें देखिए, घर में पानी भर गया, लोगों की कमर से ऊपर तक पानी भरा है। एक परिवार अपने घर में कैद है। तभी राहत कर्मी बोट के जरिए उन तक पहुंचे और एक एक कर लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। बारिश के कारण नर्मदा, शिवना, बेतवा और ताप्ती नदियों के अलावा कई नदियां और नाले उफान पर हैं। सैलाब की वजह से सालों पुरानी दीवार पानी में गिरी और फिर उसके बाद बनी कई दुकानें पानी में बहने लगी। सैलाब की वजह से ये तबाही मची मध्य प्रदेश के नीमच जिले में। यहाँ कुकड़ेश्वर में सैलाब का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का पानी बस स्टैंड तक पहुँच गया। मिट्टी का कटाव होने की वजह से यहाँ दीवार टूट गई और कई दुकानें नाले बहने लगे। खतरे को देखते हुए यहाँ पहले की दुकानें खाली कराने की चेतावनी दी गई, लेकिन दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया और व्यापारियों को बाढ़ की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगातार हुई बारिश से सिंध नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बदरवास इलाके के 5 गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और कई लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। झाबुआ में भी भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर है। यहाँ सवारियों से भरी एक जीप पुलिया पार करते वक्त पानी के बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि पुलिया का हिस्सा टूटा हुआ है, जिस वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत तो ये रही कि पानी का बहाव कम था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं और जीप को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। निवाड़ी में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश और माटातिला बांध के गेट खोले जाने से बेतवा नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जल स्तर बढ़ने से पर्यटक नगरी ओरछा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बेतवा नदी ने ओरछा की छतरिया और जहांगीर महल को अपनी आगोश में ले लिया है। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बने होटल्स और रिजॉर्ट्स को एहतियातन खाली करा दिया है। दुकानों को खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।